सो गाइज, यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट? एंड वी डिस्कस्ड टू क्वेश्चंस ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स एंड यू नो दैट द नॉन जीरो द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in echelon form of any matrix is basically the rank of the matrix, given matrix. So today we will do some more questions of rank of a matrix. If anybody has any doubt, then please interrupt me, or you can ask me anytime, because this echelon form of a matrix and rank of a matrix is very, very important of this module. This total module is completely based on echelon form of a matrix, as I earlier told you. So let's do some more questions on rank of a matrix and echelon form of a matrix. This question we had done in the last class, okay, and this question as well. ठीक है. ओके, सम मोर क्वेश्चंस. किसी को भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्लन फॉर्म कैसे बनाई जा रही है, ये ऑपरेशंस कैसे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करके बता दूंगा. देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सर एक सॉल्व करके बता दीजिए. ओके, तो ये वाला ही कर ले हम लोग सॉल्व. यस. ओके ओके, जस्ट अ सेकंड. द मैट्रिक्स इज 1 - 2, 3. जस्ट अ सेकंड. So the given matrix is A is equal to देखनी पड़ेगी. Excuse me, sir. Yes. Sir, the second example which we did yesterday, sir, it had a different answer. I mean, when I did it personally, so I got a different answer from that of the PowerPoint, which had that a different answer. The rank was same. Yes, sir. Two. The rank was same. Huh. But echelon form. Yes, sir. Yes, there is no issue. Okay, sir. You applied row operations or column operations? Sir, row operations. Row operations only. Yes, sir. Okay.
तो एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को ही कर लेते हैं, फिर वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपकी कोई यस डाउटिंग होगी तो सर, आप समझ में आ जाएगा आपको। ओके सर, ओके चलिए, यस सर, थैंक ठीक यू। है। यस, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चंस का थोड़ा। वही पीपीटी खोलनी पड़ेगी। जस्ट अ सेकंड। ओके तो हम ये वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ओके ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर एक्लन फॉर्म दिस मस्ट बी जीरो, दिस मस्ट बी जीरो, दिस मस्ट बी जीरो। सबसे पहला तो पहले देखिए, यहाँ स्पेस कम है और यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड नहीं है, क्योंकि मैं मेरे लैपटॉप से नहीं ले रहा हूँ क्लास आज। तो आप, मैं कहीं पे भी लिख दूंगा, आप थोड़ा समझ लेना चीज़ों को। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। नाउ नाउ द वॉइस इज कमिंग, इट्स क्लियर। यस सर, इट्स कमिंग, इट्स यस यस क्लियर। यस यस। आप अपने मोबाइल यस का या लैपटॉप का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, जिसको भी मेरी वॉइस में इशू आ रहा है प्लीज़। ओके सो टू मेक इट ज़ीरो, वी विल अप्लाई द ऑपरेशन आर टू इम्प्लाइज दैट आर टू इम्प्लाइज दैट थ्री आर टू माइनस टू आर वन एंड फॉर आर थ्री, आर थ्री इम्प्लाइज दैट थ्री आर थ्री माइनस फाइव आर वन एंड फॉर आर फोर इम्प्लाइज दैट थ्री आर फोर माइनस एट आर वन। इज इट क्लियर? द ऑपरेशंस आर क्लियर टू एवरी वन? यस यस सर, सर। ओके सो जस्ट अप्लाई द ऑपरेशंस। देर विल बी नो चेंज इन द फर्स्ट रो, इट विल बी एज इट इज। सो सिक्स वन थ्री एट। नाउ सेकेंड रो को चेंज कीजिए, थ्री आर टू माइनस टू आर वन की हेल्प से, इट्स ज़ीरो। थ्री आर टू मतलब सिक्स, सिक्स माइनस टू डेट इज फोर, थ्री आर टू डेट इज एटीन, एटीन माइनस सिक्स ट्वेल्व, देन माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस सिक्सटीन माइनस नाइनटीन। नाउ अप्लाई फॉर आर थ्री, थ्री आर थ्री माइनस फाइव आर वन, इट्स ज़ीरो। थ्री थ्री इज़ नाइन, नाइन माइनस फाइव माइनस फोर, देन नाइन थ्री इज़ द ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टीन, ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टीन डेट इज़ माइनस ट्वेल्व, एंड ट्वेंटी साथ ही सेवन, सेवन टू इज़ द फोर्टीन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन माइनस फोर्टी, ट्वेंटी वन माइनस फोर्टी माइनस ट्वेंटी वन
माइनस माइनस फोर्टी 90। माइनस फोर्टी करेक्ट। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 21 माइनस 40, यस माइनस 19, इज इट करेक्ट? यस लास्ट 3R4 माइनस 8R1, सो इट्स 0। 3R4 डेट इज 12, 12 ये 12 हो गया, 12 माइनस 8 डेट सर। इज माइनस 4, 36 माइनस 24 डेट इज प्लस 12। सर यस थर्ड रो में प्लस 4 होगा। थर्ड यस रो सर, माय आल्सो इट केम प्लस 4। एक बार देख लेते हैं, मैं वापस देख लेता ओके हूँ। सर। यस सर। ये वाला एलिमेंट ना माइनस 4 जो मैंने लिख दिया गलती से, यस सर। देख लेते हैं। 3 3 9, 9 माइनस 4 प्लस 4 होगा यहाँ पे, करेक्ट। बाकी सब सर सही है? प्लस 20 होगा हाँ सर, 12 भी प्लस होगा। अच्छा देख लेते हैं। 9 3 27, यस यस प्लस 12, माई मिस्टेक। ओके ठीक है। अब ये नीचे वाला तो सही है, माइनस 4 12, ये ठीक है? नो सर, दिस विल आल्सो बी ओनली 4। अरे यार एक्चुअली हो क्या रहा है, फोकस बन नहीं पा रहा है इस पे, लैपटॉप पे बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑफलाइन आ जाइए आप सब लोग एज सून एज पॉसिबल। एनीवेज मैं दोबारा देखता हूँ। 3 मतलब 12, 12 माइनस 8, अच्छा प्लस 4 आएगा यहाँ पे भी, करेक्ट। यस सर। यहाँ पे 12 ठीक है, 15 3 45, 45 माइनस 64, यहाँ 19 आएगा नेगेटिव, राइट। यस सर, -19। अब जिसने भी डाउट पूछा था उसको समझ में आई ये चीज? यस यस सर। वेरी गुड। चलिए अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट के नीचे वाले तीनों एलिमेंट जीरो बन गए, अब हमें सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के नीचे वाले दोनों जीरो बनाने हैं, मतलब हमें इसे जीरो बनाना है और हमें इसे जीरो बनाना है। सो फॉर दिस फर्स्ट और सेकंड रो विल बी एज इट इज, थर्ड रो में हम अप्लाई करेंगे R3 इम्प्लाइज दैट, बताइए। सर R3 -R2। करेक्ट, R3 माइनस R2, एंड R4 इम्प्लाइज दैट, R4 -R2। R4 माइनस R। करेक्ट, R4 माइनस R2, एब्सोल्यूटली करेक्ट। ठीक है अप्लाई कर दीजिए, मैं यही बना देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड में कोई चेंज नहीं होगा, सो 6 1 3 8 0 4 12 माइनस 19। नाउ थर्ड रो, R3 माइनस R2 डेट इज 0, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 12 0, -19 -19 0। नाउ R4 R4 माइनस R2 इट्स 0, अगेन 0, 0 एंड 0। गॉट इट? यस सर। अब देखिए हमारा टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे तीनों वाले तीनों जीरो, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट उसके नीचे वाले दोनों जीरो, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट उसके नीचे वाले जीरो। सो दिस इज योर एक्लन फॉर्म, दिस इज योर एक्लन फॉर्म। नाउ हाउ मेनी नॉन जीरो रोज हियर? सर टू। देर आर टू नॉन जीरो रोज हियर, वन एंड टू, R1 एंड R2। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज टू। टू। ओके यस सर। एनीबडी, और कोई डाउट है किसी को? ओके नाउ वन मोर क्वेश्चन। द मैट्रिक्स ए इज गिवन विच इज 1 -2 3, -2 4, -1 -1 2 7। ओके एंड वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। फॉर दिस वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इन टू एक्लन फॉर्म फर्स्ट। ओके तो एक्लन फॉर्म में बनाइए, मतलब आपको पहले इस एलिमेंट को जीरो बनाना पड़ेगा और इस एलिमेंट को जीरो बनाना पड़ेगा। ऑपरेशन लगाइए, R2 इम्प्लाइज डैट R2 प्लस 2R1,
it's correct. And R3 implies that R3 plus R1. The operations are correct or not? Yes, sir. Good. Yes, sir. Apply kar dijiye. We are changing only second row R2 and R3. So first row will be as it is. 1, minus 2, 3. Second row mein apply kar dijiye. 0, 0, 5. And 0, 0, 10. Okay. अब देखिए टारगेट अचीव हो चुका है. आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट रो के नीचे वाले दोनों एलिमेंट जीरो, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट का नीचे वाला जीरो. टारगेट अचीव हो चुका है. लेकिन एकलन फॉर्म में एक और चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी है. अगर टारगेट अचीव होने के बाद भी किसी एलिमेंट को आप जीरो बना सकते हैं विदाउट चेंजिंग द प्रीवियस एलिमेंट्स, विदाउट चेंजिंग प्रीवियस जीरो एलिमेंट, देन यू कैन डू इट. मतलब यह है कि आप देखिए ये जो एलिमेंट 10 है, इस 10 को भी आप जीरो बना सकते हैं विदाउट चेंजिंग द प्रीवियस जीरोस. एम आई करेक्ट और नॉट? सर कैसे सर? अरे R2 implies that R2 minus 2R1, 2R2 कर दो, sorry, R3 implies that R3 minus 2R2 कर दीजिए. उससे क्या होगा, जो पहले जीरो बन चुके हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा और ये 10, 10 जहां लिखा हुआ है वहां पे भी जीरो आ जाएगा. ये बात समझ में आई या नहीं आई सबको? यस सर. एकलन फॉर्म का जो टारगेट है उसको आपको फोकस करना है, नो डाउट. लेकिन एकलन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लास्ट एलिमेंट को या लास्ट टू एलिमेंट्स को जीरो बना सकते हैं विदाउट चेंजिंग द प्रीवियस जीरोस, देन यू हैव टू डू इट. इज इट क्लियर? यस. तो आप इस 10 को जीरो बना सकते हैं या आप चाहें तो इस 5 को जीरो बना सकते हैं. दोनों में से किसी एक को ही जीरो बना सकते हैं, दोनों को जीरो आप नहीं बना सकते. तो हमने R3 implies that R3 minus 2R2 ऑपरेशन लगा के इस 10 को जीरो बना दिया. अब आप इस 5 को जीरो नहीं बना सकते क्योंकि अगर आप 5 को जीरो बनाने के लिए ट्राई करोगे तो बाकी जो जीरोज हैं उनमें से कोई ना कोई जीरो चेंज हो जाएगा. So this is the Eklan form of the matrix. And you can see there are two non-zero rows here. So rank of this given matrix is 2. Any doubt in this question? No, sir, no doubt. वन मोर क्वेश्चन. आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप खुद अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए. लिखिए क्वेश्चन, आप मैं लिखवा देता हूं आपको. अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए. मैट्रिक्स ए है 1, आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट यहां से, जल्दी कीजिए. और फिर अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करके इसका रैंक फाइंड आउट कीजिए क्विक. चलिए फाइंड आउट कीजिए. सर यस, दिखाई नहीं पूरा. अरे इतनी देर में नोट डाउन नहीं किया क्या आपने? नोट डाउन कीजिए. चलिए यस सर, चलिए सॉल्व कीजिए इसे. एकलन फॉर्म बनाने का चांस अभी आपको आगे और मिलेगा. मैंने कहा ना, दिस मॉड्यूल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एकलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स. सो यू विल डू अ लॉट प्रैक्टिस ऑफ एकलन फॉर्म इन द
upcoming articles as well of this module. Do it this question. टू होगा यस सर हो गया सर दो हो गया सर इसका रैंक द रैंक विल बी टू द रैंक इज टू यस सर यस सर वेरी गुड और कोई मुझे बताएगा कि एक्लन फॉर्म क्या बनी है वन थ्री फोर थ्री जीरो 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 माइनस सिक्स जीरो जीरो आराम से यही बनी है वन थ्री फोर थ्री यस सर यस सर यस यस सर जीरो 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 माइनस सिक्स जीरो 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 करेक्ट आपने किसी ने भी फ्रैक्शन में तो ऑपरेशन नहीं लगाया ना नो सर हाँ देखिए यहाँ पे इसने फ्रैक्शन में ऑपरेशन लगाया है कैन यू सी इट बट मैंने कल आपको बताया था कि आप जितना चीजें आसान कर सकते हैं उतना इजी कीजिए फ्रैक्शन में ऑपरेशन लगाने को अवॉइड कीजिए इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ओके सो आई थिंक देर इज नो डाउट इन द एक्लन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इफ एनीबडी हैज एनी डाउट देन प्लीज आस्क अदरवाइज आई विल मूव सर एक के बाद वही साइन देना होगा क्या सेकंड स्टेप में क्या बोल रहे हो एक बार जो साइन है क्या बोल रहे हो थोड़ा प्रॉपर बोलो क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा मुझे व्हाट आर यू सेइंग सर सेकंड फर्स्ट स्टेप में एक आगे इक्वल टू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस देयर इज नो इशू इसका मतलब ये होता है कि ये ए इसके इक्वल है और जैसे जैसे हम ऑपरेशन लगाते जा रहे हैं तो ए इसके इक्वेलेंट होता चला जा रहा है ओके बोथ साइंस आर सेम मीनिंग ओके यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम Okay, so let's move. Now, system of linear simultaneous equations. आपने class 12 में please mute yourself. Please mute yourself, everybody. Some voice is coming from background of anybody.
यस थैंक यू कर लिया था उसने यस मिट्टी ओके सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखिए पहले इस चीज को समझ लीजिए आप क्या है आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा होगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्रेमर रूल वो सब जितने भी मेथड्स आपने पढ़े हैं दे ऑल मेथड्स आर फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सो व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट देखिए लीनियर लीनियर का मतलब होता है द इक्वेशन विच इज इन वन डिग्री आप कितने भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हो बट द इक्वेशन विल बी ऑफ वन डिग्री फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सो यू कैन सी देर आर टू वेरिएबल्स हियर एक्स एंड वाई एंड बोथ वेरिएबल्स इज ऑफ वन डिग्री सो इट्स ए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स If you are taking three variables like ax plus by plus cz plus d is equal to 0. So you can see there are three variables here, x, y and z. And all variables is of one degree. That's why this is linear equation of three variables, x, y and z. तो लीनियर इक्वेशन उन इक्वेशंस को कहा जाता है जिनमें वेरिएबल्स वन डिग्री के होते हैं चाहे कितने भी वेरिएबल्स हों उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन हर एक वेरिएबल वन डिग्री का होता है सिस्टम सिस्टम का मतलब होता है वी आर टेकिंग मोर देन वन लीनियर इक्वेशन टुगेदर वी आर टेकिंग टू लीनियर इक्वेशंस टुगेदर थ्री लीनियर इक्वेशंस टुगेदर फोर लीनियर इक्वेशंस टुगेदर m linear equations together so that particular group of linear equations are is called system of linear equations okay so you can see it's a generalized form of system of linear equations a11 x1 plus a12 x2 plus a dot 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 plus a1n xn is equal to b1 a21 x1 plus a22 x2 plus dot 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 plus a2n xn is equal to b2 dot 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 am1 x1 plus am2 x2 plus dot 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 amn xn is equal to bm so could anybody please tell me in this system how many variables here N variables are here. कौन कौन से हैं In this system, there are n variables. X1, X2, X3, X4, dot 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 XN. So these are n variables here. You can see all variables in each and every equation is of one degree. Is not so? Yes. Good. Can anybody please tell me how many equations are here in this system? M equations. M equations are here. A11, first equation, second equation, dot, 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 M equations are here. These A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN, these all are constants here, and in right hand side, B1, B2, B3, dot 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 BM, these all are constants as well. But these A11, A12, A1n, A21, AM1, these all constants are coefficients of the variables. But in right hand side, B1, B2, B3, dot 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 BM, these all are purely constants. They are not coefficients of any variable.
So you can say it's a generalized system of linear equations. Now this system of linear equations can be written as in matrix form as well. A x is equal to b. ये तो आपको पता ही होगा, ये पता है ना आपको? Yes sir. The system of linear equations can be written in the form of matrix A x is equal to b, where A is the coefficient matrix. A कौन सी matrix बनेगी? ये left side में x1, x2, x3, xn जो variables हैं, इनके जो coefficients हैं, इनकी हेल्प से जो मैट्रिक्स बनाई जाएगी वो कैपिटल ए होगी, एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए वन वन, ए वन टू, डॉट 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 ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, डॉट 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 ए टू एन, डॉट 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 ए एम वन, ए एम टू, डॉट 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 ए एम एन. दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कैपिटल एक्स इज द वेरिएबल मैट्रिक्स विच विल बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग variables x1, x2, x3, dot 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 xn, and keep in mind this variable matrix capital X will be a column matrix. This variable matrix is a column matrix. Capital X is equal to column matrix x1, x2, dot 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 xn. And right hand side, capital B is a matrix which is formed by right hand side constants of the given system of linear equations. Again, capital B is a column matrix. So capital B is equal to this B1, B2, dot 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 Bm. So capital A is a coefficient matrix, capital X is a variable matrix, and capital B is the constant matrix. Capital X is a matrix of order n cross 1, and capital B is a matrix of order m cross 1. Now you can cross verify. If you multiply matrix A with matrix capital X, you will get all the equations of this system of linear equations in left hand side. And if you equate this matrix with capital B, you will get all these equations. Is not so? Yes, yes, sir. So this system of linear equations can be written as in the form of AX is equal to B. Now, this system of linear equations may be homogeneous or may be non-homogeneous. Guys, if all the b1, b2, b3, bm, if all the right hand side constants are zero, if all the right hand side constants are zero, then this system is called homogeneous. And if at least one right hand side constant is not zero, then this system is called non-homogeneous. You can see the definition: homogeneous system and non-homogeneous system. If all bi's, that is b1, b2, b3, bm, if all constants in right hand side are zero, then the system is called homogeneous. If at least one bi, which is right hand side constant, is not zero, then the system is called non-homogeneous system. Now, we will solve first the non-homogeneous system. पहले हम
नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो उस सिस्टम के हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन इक्वेशंस हैं और चार वेरिएबल्स हैं, तो आपको उन चारों वेरिएबल्स की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। दैट विल बी द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई ऑल इक्वेशंस ऑफ द सिस्टम इज नोन एज सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, अगर तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज जो उस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे या उस पूरे सिस्टम के हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। Now, we will solve first non-homogeneous system of linear equations. Okay? तो I think इसके बारे में अगर हम कल discussion करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो हम question कर नहीं पाएंगे और फिर time भी निकल जाएगा. So, I think this is sufficient for today. If anybody has any doubt, then please ask. No doubt, sir. Each and everybody is getting what I am teaching? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. कितने लोग आपकी क्लास में अभी जयपुर आ चुके हैं ऑफलाइन के लिए? Sir. अच्छा, कौन कौन नहीं आया ये बताइए? सर मैं नहीं आया। जितना जल्दी आएंगे ऑफलाइन क्लासेस उतनी जल्दी स्टार्ट होगी, और आपकी अब आगे पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन नहीं चलने वाला है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इफ यू कम फास्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। टिकट नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, टिकट के लिए ट्राई करते रहिए, जैसे टिकट मिले आ जाइए। सो व्हाई वी आर हैविंग द सेकंड सेमेस्टर सो अर्ली? क्या बोल रहे हो, व्हाई सर सेकंड सेमेस्टर इतना जल्दी क्यों हो रहा है? बेटा सेकंड सेमेस्टर ऑलरेडी छोटा होता है, जल्दी होता है ये, ऑलरेडी हम लेट हैं। सेकंड सेमेस्टर नॉर्मली मिड जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर इज ऑलरेडी वेरी शॉर्ट। ओके ओके सर। सो कम फास्ट एज यू कैन। अब आप लोग आलस मत कीजिए कि ऑनलाइन क्लास हो जाएगी और ऐसे वैसे कुछ भी करके काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। आप जितना जल्दी होइए कोशिश कीजिए आने की। ओके सर। सर से टिकट मिल कर आ रहे हैं। हाँ सुहिर्द, I have read your message in chat box. Sir, I have one doubt also, sir. Yes. That previous semesters all assignments and all copies we have to take with us to submit, or just we have to keep it here only? No. You can keep it yourself. Okay. क्योंकि मैंने मेरा कुछ दोस्त लोगों का ऐसा हुआ कि घर में हो गया एक, लेकिन जाने के समय में बोला कि पिछले सेमिस्टर का सब लेके आओ, सबमिट करना होगा, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। No. From my side, there is no restriction like this. Okay, these are the silly restrictions. Okay, fine. क्योंकि अगर वो सब ले जाना पड़ेगा तो और भी मतलब लगेज का वेट बढ़ जाएगा। Yes, yes, absolutely correct. So no need. Okay, guys. So thank you very much, and I hope you will be come here very soon. Have a good day. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. सर कल तो ऑनलाइन नहीं होगा ना, कल तो सब ऑफलाइन है। यस यस
एब्सोल्युटली, थैंक यू.